अमूल के अलावा कई बेवरेज कंपनियों ने सरकार से प्लास्टिक स्ट्रॉ पर छूट देने की अपील की थी, लेकिन सरकार ने इसे ठुकरा दिया। 5 रुपए से 30 रुपए के बीच की कीमत वाले जूस और दूध वाले प्रोडक्ट्स का भारत में बड़ा कारोबार है। जी हाँ, आपको बता दें, पैक जूस और डेयरी उत्पादों के साथ मिलने वाले प्लास्टिक के स्ट्रॉ पर सरकार 1 जुलाई से प्रतिबंध लगाने की तैयारी में है। इस कदम को देखते हुए देश के सबसे बड़े डेयरी समूह अमूल ने सरकार को पत्र लिखा है। अमूल ने सरकार से प्लास्टिक स्ट्रॉ पर लगने वाले प्रतिबंध को कुछ समय के लिए टालने का अनुरोध किया है। अमूल ने कहा है कि सरकार के इस फैसले से दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश के किसानों और दूध की खपत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अमूल से पहले कई बेवरेज कंपनियों ने प्लास्टिक स्ट्रॉ पर छूट देने की अपील की थी, लेकिन सरकार ने इसे ठुकरा दिया। अमूल ने पीएमओ को लिखे पत्र में लिखा था कि प्लास्टिक स्ट्रॉ पर बैन लगने की वजह से दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश के किसानों और दूध की खपत पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अमूल ने कहा था कि प्लास्टिक के स्ट्रॉ दूध की खपत को बढ़ाने में मदद करते हैं। सरकार ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ऐसे में अब तय माना जा रहा है कि 1 जुलाई से सिंगल यूज वाले प्लास्टिक प्रतिबंधित हो जाएंगे। प्लास्टिक कचरे की वजह से ही सबसे अधिक प्रदूषण फैलता है। अमूल के प्रबंधक आरएस सोडी ने कहा था कि अगर सरकार प्लास्टिक स्ट्रॉ पर बैन को कुछ समय के लिए टाल देती है तो देश के 10 करोड़ डेयरी किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। रिपोर्ट्स के अनुसार प्लास्टिक स्ट्रॉ कम इस्तेमाल होने वाला उत्पाद है, जिसे पेपर स्ट्रॉ के साथ बदला जा सकता है। 5 रुपए से 30 रुपए के बीच की कीमत वाले जूस और दूध वाले प्रोडक्ट्स का भारत में बड़ा कारोबार है। अमूल, फ्रूटी, पेप्सिको, कोका कोला के ज़्यादातर पेय पदार्थ प्लास्टिक स्ट्रॉ पर ही पैक करके ग्राहकों तक पहुंचाए जाते हैं। सरकार के इस फैसले ने अमूल, पेप्सिको और कोका कोला सहित कई बेवरेज कंपनियों को हिला दिया है, लेकिन सरकार ने अपना रुख बदलने से इनकार कर दिया और कंपनियों से वैकल्पिक स्ट्रॉ पर स्विच करने को कहा है। कंपनियों ने प्लास्टिक स्ट्रॉ का विकल्प अपनाने के लिए सरकार से और समय की मांग की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।